यीशु अच्छा है, हमारा यीशु जी अच्छा है, हमारा आत्मा हमको गवाही देते हैं, हमारे ऊपर प्रेम करते, हमारा भरोसा करता। कितनी बार मैंने भरोसा तोड़ दिया, फिर भी मेरे ऊपर भरोसा करने वाला मेरा प्रभु है। ये गाना है, हम लोग गाते हैं, तमिल में भी है, हिंदी में भी हमने किया था इसमें। पिता के प्रेम से भी बढ़कर यीशु किया तूने अनोखा प्यार, तुझसा नहीं कोई जानता मुझे, तुझसा नहीं कोई चाहता मुझे, तुझसा नहीं कोई जानता मुझे, तुझसा नहीं कोई चाहता मुझे। जीवन भर काफी है तू हे प्रभु, जीवन भर काफी है तू। देखो, माँ बाप से प्रेम से भी बढ़कर कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाएंगे। उनके जैसे समझने वाला कोई नहीं है, उनके जैसे आपका सारे प्रॉब्लम को जानने के बाद भी प्रेम करने वाला कोई नहीं। कोई लोग क्या करेंगे, तीन बच्चे हैं, एक को प्रेम करें, एक को नफरत करें। बच्चे लोग क्या है, मेहनत करेंगे, कैसे भी मेरे मम्मी का प्रेम को जीत लूँगा, पापा का प्रेम को कमा लूँगा। कमाते कमाते जिंदगी भर निकल जाएगा, पापा का प्रेम कभी उसको मिलेगा ही क्यों? मनुष्य अपना प्रेम से सबको प्रेम नहीं कर पाए। हम लोग भी, हम भी बोलते हैं, हमको भी कलीसिया में सब लोग आते हैं, सबको मुझे कैसे देखना चाहिए, यही दूसरे कुरिन्थियों 5 में हम पढ़ रहे हैं। हमारे नजरिया बदल गए, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। 16 वचन को पढ़िए, 16 आयत, दूसरे कुरिन्थियों 5 का 16। अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, ना समझेंगे। यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। अभी बोले मेरे अंदर नई नजरियां आ गई है, वो शरीर के अनुसार नहीं है, आत्मा के अनुसार है। अभी किसी को देखेंगे हम, उसके अंदर का यीशु को ही देखना। क्या देखना है? यीशु को देखना, आत्मिक तौर से देखना, शारीरिक तौर से नहीं देखना। आपको भी, इवन आपको कैसे देखना? मसीह में देखना, धर्मी समझना, अपना आपको पवित्र सोचना। मसीह में धार्मिकता, मसीह में धर्मी है, मसीह में प्रेमी है, मसीह में स्वीकार किया हुआ है, मसीह में माफ किया हुआ है। अपने भाई को भी इस ढंग से देखना, शारीरिक तौर से नहीं देखना, आत्मिक तौर से देखना।